क्लास 10, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर स्टूडेंट। ये आपका लास्ट चैप्टर है कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग कंप्यूटर का। फाइनल मैंने कंप्यूटर चैप्टर का 10th क्लास आपका लास्ट चैप्टर है और आपको फाइल मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? फाइल मैनेजमेंट चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, ओके। तो आपको चैप्टर 1 पढ़ना है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, चैप्टर 2 काइंड्स एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, चैप्टर 3 पढ़ना है इंटरनेट, 4th पढ़ना है कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अरिथमेटिक, 5th में बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, 6 सीएलआई फॉर्म ऑफ लिनक्स। इसमें भी अंदर सब टॉपिक्स कटे हुए हैं। सी फंक्शंस और सब रूटीन पढ़ना है, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स एरे पढ़ना है, कैरेक्टर्स एरे एंड स्ट्रिंग ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 जो है प्रोग्राम बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज है, इसमें आपके सारे प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये सारे पढ़ा दिया गया है, तो इसके प्रोग्राम की प्रैक्टिस आपको सेल्फ करनी पड़ेगी, ओके क्लास। तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 9 कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग। क्या होते हैं कैरेक्टर एरे एंड स्ट्रिंग? इन सी प्रोग्राम द ग्रुप स्ट्रिंग इज कॉल्ड द कैरेक्टर एरे। सी प्रोग्राम में जो होता है ग्रुप की स्ट्रिंग, उसे हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर एरे। जैसे आप हम स्टोर करते हैं इंटीजर्स को इन इंटीजर एरे में इन द सेम वे में, तो क्या होता है? बी स्टोर कैरेक्टर टाइप एलिमेंट इन कैरेक्टर एरे। तो किस टाइप के एलिमेंट्स को हम स्टोर करते हैं? कैरेक्टर टाइप एलिमेंट्स को कैरेक्टर एरे में स्टोर करते हैं। वन डायमेंशनल एरे में क्या होते हैं? इसमें स्टोर होते हैं स्ट्रिंग, जो क्या होते हैं? एवरी कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इज स्टोर इन डिफरेंट लोकेशन। किस पे होते हैं? डिफरेंट लोकेशन पर स्टोर होते हैं। और ऑर्डर जो होते हैं करेक्टर्स की, जो अरेंज होते हैं स्ट्रिंग में, सेम वे में करेक्टर्स जो होते हैं स्टोर होते हैं एरे फॉर्म में। और जितने भी करेक्टर होते हैं एरे में वो रिक्वायर होती है 1 byte मेमोरी की। एंड द लास्ट करेक्टर जो होते हैं ऑलवेज 0 होता है। इसको हम इसमें एरे 0 लिखते हैं, इस कॉल्ड द नल करेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? नल करेक्टर। जो क्या करता है? जो क्या बताता है? एंड ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का क्या है? एंड पॉइंट, एंड है। आफ्टर गेटिंग 0 कंपाइलर विल अंडरस्टैंड दैट स्ट्रिंग हैज एंडेड। जब आपको 0 मिलता है तो उसके बाद कंपाइलर समझ जाता है, क्या होता है? कंपाइलर समझता है कि स्ट्रिंग की उसका एंडेड 0 है, वो एंड हो गया, मतलब वो स्टॉप हो चुका है। सो यूजर शुड रिमेंबर दैट वेयर टू यूज 0 आफ्टर एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग, ठीक। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रिंग को कैसे है इनिशियलाइजेशन किया गया है स्ट्रिंग का। तो एक एरे फॉर्म में मैंने बनाया है, इसमें स्टोर किया है डेटा को। डेटा को स्टोर करने का उसका स्ट्रिंग सभी का नेम लोकेशन किया है। नेम लोकेशन करने का जो लास्ट में 7 नंबर पर आप देख रहे हो वहाँ पर /0 किया गया है। तो ये सब लोकेशन है डेटा का, ये सारे आपके क्या है? लोकेट किए गए हैं डेटा। और 0 को कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ एंड। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग ऑफ एंड, स्ट्रिंग ऑफ एंडेड है। तो इसमें एंड किया गया है जिसको कहते हैं 0, इनिशियलाइज किया गया है 0 से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? नल भी बोलते हैं। नल मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। तो अबव एग्जांपल कैन बी रिटन इज दिस कैरेक्टर नेम। इस एग्जांपल को हम कैसे लिख सकते हैं? आपने कैरेक्टर नेम लिखा, इसको कैरेक्टर बोलते हैं, CHAR शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है कैरेक्टर नेम। तो आपने एरे लिखा इज इक्वल टू क्या नया कैरेक्टर नेम, यहाँ कैरेक्टर नेम दिया नारायण। क्या दिया आपने? नारायण। कैरेक्टर नेम इज नारायण। तो अब आप पढ़ोगे डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग, कैसे डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग को? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग डेटा टाइप इज नॉट अवेलेबल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं अवेलेबल होती, बट विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर एरे वी कैन यूज स्ट्रिंग। लेकिन किसके हेल्प से? कैरेक्टर एरे की हेल्प से हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग का। अ स्ट्रिंग कैन बी डिक्लेयर एज फॉलो, कैसे डिक्लेयर करते हैं? तो ये आपका सिंटेक्स होता है, जैसे आपको पूछ सकता है एग्जाम में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने वाले सिंटेक्स को आप डिफाइन करो। तो आप डिफाइन क्या करोगे? उसमें लिखोगे स्ट्रिंग देन नेम एंड साइज। साइज आप कैसे ले रहे हो? जैसे यहाँ पर साइज हमने लिया 0, तो यहाँ पे 8 है, तो 8 साइज लिया। 8 कैसे हुआ? A1 का A2 3 4 5 6 7 8, 0 से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ करेक्टर नेम हमने लिया 25 है एंड करेक्टर स्ट्रिंग लिया 10 एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका सिंटेक्स है, सिंटेक्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं आपको लिखना पड़ेगा। अबव गिवन एग्जांपल वी कैन स्टोर 25 एंड 10 कैरेक्टर रिस्पेक्टिवली। इस एग्जांपल में आप स्टोर कर रहे हो। नाउ इनिशियलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे कर रहे हो इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग? तो चलिए देखते हैं। तो डिक्लेरेशन जब करते हैं कैरेक्टर एरे के, डन इन द सेम वे, एक ही वे में वर्क कंप्लीट होते हैं, डन होते हैं नॉर्मल एरे में। दैट इज इट इज़ द इनिशियलाइज इन द सेम वे
एज डन इन नॉर्मल एरे, डन होते हैं नॉर्मल एरे के फॉर्म में. इनिशियलाइजेशन ऑफ करेक्टर एरे कैन बी डन इन टू डिफरेंट वे. टू डिफरेंट वे में होता है, फर्स्ट होता है आपका करेक्टर नेम. जैसे यहाँ पर आपने करेक्टर नेम लिया, कितना साइज दिया करेक्टर नेम का, हमने दिया करेक्टर नेम साइज. आपने लिखा करेक्टर नेम तो उसका साइज आपने कितना डिफाइन किया, हमने किया 8. 8 में आपका कितना नाम आ रहा, रुकमणी. क्या आ रहा, रुकमणी. रुकमणी में आर यू के थ्री वर्ड हो गए, एम ए एन आई, आपने रुकमणी लिया. ठीक, तो इसमें एक मिसिंग है, आपने रुकमणी लिया. अब इसको रुकमणी है तो एक मिसिंग के नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या है इसके, जीरो है. जीरो मतलब वो नल है आपका, नल स्ट्रिंग जो एंड हुआ है, तो उसको हमने नहीं काउंट किया है. क्यों? जब आप ऐसे बनाओगे, इनिशियलाइज करोगे कैरेक्टर नेम, जब आप दोगे तो सबका नाम लिखोगे यहाँ पर आर यू के एम ए एन आई, और लास्ट बता तो वहाँ क्या लिखो, स्लैश जीरो. तो यहाँ से 1 2 3 ऐसे आप करोगे, 1 0 1 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7, तो ये करेक्टर नेम पूरे 8 हो गए. अब समझ में आया यहाँ पर कैसे है. 8 पॉइंट जो है क्या है आपका, जीरो, नल. क्या है वो, नल है, जो कि स्ट्रिंग की एंड हुई है. तो करेक्टर नेम 8 आपने इसका लिखा, ये पूरा डिफाइन किया, लास्ट में क्या लिखा, जीरो. होप सो आपको ये समझ में आया होगा. अबव एग्जाम्पल लाइन सो दैट करेक्टर आर स्टोर इन द सेम वे बट स्लैश इज द एड इन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग. सेम वे में है स्टोर, लेकिन स्लैश जो है वो क्या है, स्लैश जीरो एड हुआ है एंड ऑफ द स्ट्रिंग के एंड में. दिस नल करेक्टर सो एंड ऑफ द स्ट्रिंग, या नल करेक्टर क्या शो करता है कि यह स्ट्रिंग का एंड है. बट टाइप देयर इज नो नीड, लेकिन इसको हम टाइप नहीं करते, जरूरत नहीं होती यूज करने के लिए इन नल करेक्टर का, बिकॉज वी राइट करेक्टर इन बिटवीन दिस. क्यों? क्योंकि हम करेक्टर्स को जो लिखते हैं किनके बीच लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच लिखते हैं. एंड इज द केस कंपाइलर वी लर्न द स्ट्रिंग. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको लिखना होगा, कैसे लिखोगे, तो आप स्ट्रिंग की, तो यहाँ पर मैं कौन सी लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग डॉट एच. हेडर फाइल में स्टूडियो डॉट एच सबके लिए कॉमन रहेगा, और यहाँ पर जब आप कर रहे हो तो स्ट्रिंग डॉट एच मेन फंक्शन बनाया, कैरेक्टर नेम दिया, जैसे आपने दिया बालाजी, इनिशियलाइजेशन किया, डेटा डिक्लेरेशन किया, जीरो लिया, वाइल लूप लगाया. लूपिंग प्रोसेस आपने पढ़ा है 9th क्लास में, फॉर लूप, इफ लूप, वाइल लूप. तो वाइल लूप में आपने कहाँ तक डेटा चला, आई लेस देन इक्वल टू 7. ये क्या हो सकता है, आई जो होता है वो लेस देन है 7 से या 7 के इक्वल है. ठीक, इसका मतलब ये होता है. तो इसका मतलब आपका यहाँ पर जैसे हो गया, वाइल लूप चल रहा है, लूपिंग प्रोसेस आपने पढ़ा है. वाइल लूप मतलब आपका जो है, आपने किया आई, आई जो है लेस देन इक्वल टू 7, मतलब आपका यहाँ पर जो रहेगा आई आपका, ये 7 के इक्वल भी हो सकता है, 7 से लेस देन भी हो सकता है. अगेन आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, इसमें आपने प्रिंट ऑफ दिया, प्रिंट ऑफ फंक्शन. प्रिंट ऑफ फंक्शन में क्या दिया आपने, यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा, पर्सन सी लिया, एंड डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा क्लोज, नेम दिया, नेम में आपने क्या किया, इनपुट कराया आपने आई, आई अरे का, देन क्लोज ब्रैकेट, सेमी कॉलम लगा दिया. अगेन यहाँ पर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्यों लिया, सपोज दैट आपने आई लिया, आई की वैल्यू 1 दिया, तो यहाँ पर आई प्लस प्लस है, तो यहाँ पर दो बार करोगे ये ऐसे होते चले जाएंगे, आपने पढ़ा इसके आगे. ठीक, तो आपको जो रिजल्ट आएगा प्रिंट होकर क्या आएगा, बालाजी विल बी प्रिंटेड. क्या प्रिंट होकर आएगा, बालाजी विल बी प्रिंटेड. इस टाइप के एग्जाम आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं. जैसे आपको बनाने को कह दिया जाए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द स्ट्रिंग विच यूजर हैज एंटर्ड. राइट प्रोग्राम लिखना है जो कि प्रिंट करे क्या है, यूजर हैज एंटर्ड. कैसे करते हैं, मेन फंक्शन दिया, तो पहले आप कॉमन लिखोगे सबके लिए. क्या कॉमन लिखोगे, आप उसके लिखोगे यहाँ पर ऐसे लिखोगे, हैज इंक्लूड, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच. देन आपने डिफाइन किया मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद ब्रेसेस लगाया, ब्रेसेस के बाद करेक्टर नेम दिया. आप यहाँ पर करेक्टर नेम अपने से भी दे सकते हो, यहाँ पर इसने दिया 20, सेमी कॉलन. अगेन आपने प्रिंटअप कराया, इनपुट दिया, इनपुट ने दिया तो या एंटर द नेम ऑफ 20 करेक्टर्स, 20 करेक्टर्स का दिया क्योंकि करेक्टर नेम इतना लिया. देन स्कैनफ लिया, स्कैनफ लिए हमने लिखा परसेंट एस डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंड परसेंट एंड नेम, नेम दिया आपने, फिर प्रिंट कराया. जो प्रिंट करा वो नेम आपको प्रिंट होकर आ जाएगा. क्या प्रिंट कराया आपने, प्रिंट कराया है क्या आपने, प्रिंट होकर आ रहा आउटपुट क्या आ रहा आपका, हेलो.
ग्यारह हेलो, उसके बाद फिर क्या रहेगा आपका, डबल इनवर्टेड कॉमा एंड नेम एंड सेमी कॉलन देन ब्रेसेस क्लोज। तो मतलब आपका रिटर्न आ जाएगा, रिटर्न जीरो। क्या आता है रिटर्न जीरो? रिटर्न जीरो का मतलब होता है कि आपकी प्रोग्रामिंग का क्या स्टॉप हो गया। ठीक, पहले आप लिखा जाता था गेट सी एच, क्या लिखा जाता था, गेट सी एच एंड सेमी कॉलन लगाते थे ऐसे भी, तो यही होता था। ओके, अरे आपका क्या है, टू राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन गिवन स्ट्रिंग, जो कि इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, इसको करना था, इसे आप सेल्फ करो। नाउ अब आपका क्या आ गया, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है, ये आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। ये आपके टॉपिक जो 30% कम हुए हैं उसमें से हटा दिया गया है। क्या हुआ है, हटा दिया गया। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार मैं तब भी बता दे रही हूँ। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है, देयर आर मेनी लाइब्रेरी फंक्शंस जो प्रेजेंट होते हैं सी कंपाइलर में, जिसका यूज करती है प्रोसेस ऑफ स्ट्रिंग के लिए, जो होता है यूज होता है, या फंक्शन होते हैं, मेनी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, इस पर कर सकते हो, स्ट्रिंग पर कई वर्क कर सकते हो। जो मेन लाइब्रेरी होती है, इसकी हेडर फाइल होती है फंक्शन स्ट्रिंग को, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग डॉट एस से। ड्यू टू द वेरियस फंक्शन परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग वेरिएबल फंक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन। जो यूज करते हैं फंक्शन वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल से। यहाँ पर कुछ फंक्शंस आपके लिए गिवन हैं, दिए हैं, जो कि आपको नहीं पढ़ने हैं। जैसे आपका है एस टी आर सी ए टी फंक्शंस, ये क्या होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट स्ट्रिंग, टू डिफरेंट स्ट्रिंग की हेल्प से यह फंक्शन आप कर सकते हो परफॉर्म। कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, जो इसका मतलब होता है फंक्शन टेक फर्स्ट स्ट्रिंग, पहला क्या रहता है स्ट्रिंग, एंड कनेक्ट करता है सेकेंड स्ट्रिंग से, फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकेंड स्ट्रिंग से कनेक्ट करता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग, किसके में, फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में। तो प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू स्ट्रिंग इज कॉल्ड कॉन्केटेनेशंस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। स्ट्रिंग फंक्शंस आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, तो इसे आप बिल्कुल मत पढ़िए। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग्स फंक्शन आपको नहीं पढ़ना है, डायरेक्शन टू स्विच बिटवीन न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग नहीं पढ़ना है, कॉन्केटेनेशंस टू ऐड कैरेक्टर्स इन वर्ड आपको नहीं पढ़ने हैं। ये सारे आपके क्या हो गए, स्ट्रिंग फंक्शंस, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फंक्शन सेकेंड भी नहीं पढ़ना है आपको, थर्ड भी नहीं पढ़ना है, फोर्थ भी फंक्शंस नहीं पढ़ने हैं। अदर मैनिपुलेशन फंक्शन, जो अदर मैनिपुलेशन फंक्शंस हैं आपके, अदर मैनिपुलेशन फंक्शंस क्या है, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, तो ये सारे फंक्शंस आपके एग्जाम से हट गए। नाउ अब आ रहा है सर्चिंग एंड शॉर्टिंग। सर्चिंग एंड शॉर्टिंग आपको पढ़ना है। ओके क्लास, तो सर्चिंग एंड शॉर्टिंग क्या होती है, चलिए हम देखते हैं क्या है आपका सर्चिंग एंड शॉर्टिंग। तो क्या होता है सर्चिंग एंड शॉर्टिंग, सर्चिंग सर्चिंग क्या है, सर्चिंग मीन्स फाइंड और सिलेक्ट। सर्चिंग मीन्स होता है खोजना और सिलेक्ट करना। टू फाइंड सम टेक्स्ट और रिटन इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप और डेटा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूजर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सर्चिंग। सर्च इज डन जर्नली ऑन द फाइल्स। फाइल इज ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड एंड एवरी रिकॉर्ड कंटेन डिफरेंट फील्ड्स इन विच फॉर्म वन फील्ड होल रिकॉर्ड कैन बी रिसीव। फाइंडिंग अ डिजायर एलिमेंट फ्रॉम द डेटा इज कॉल्ड सर्चिंग। फॉलोइंग इज द टू मेन सर्चिंग मेथड, फर्स्ट इज द सिक्वेंशियल सर्च, सेकेंड इज द बाइनरी सर्च। तो सर्चिंग क्या है, सर्चिंग का मीन्स होता है खोजना। जब हमें किसी डेटा को ग्रुप में किसी स्पेशल डेटा आइटम को सर्च करना होता है, तो यह आपकी प्रोसेस में क्या बोला जाता है, लैंग्वेज में सर्चिंग कहलाती है। डेटा बेस से जो रिलेटेड होते हैं, यह प्रोसेस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पेशल टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड्स में कोई ना कोई एक रिकॉर्ड की एंट्री को हम सर्च करते हैं। तो इसमें आप पढ़ोगे सर्चिंग। तो सर्चिंग टू टाइप्स के होते हैं, सिक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च। सिक्वेंशियल सर्च क्या होते हैं, सिक्वेंशियल सर्च को कहते हैं कि जो एक सिक्वेंस वे में करते हो आप। यह जो होता है बेस्ट वे होता है सर्च करने के लिए सम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को फ्रॉम द लिस्ट, उस लिस्ट से। दिस इज द ऑल्सो कॉल्ड द लीनियर सर्च। सिक्वेंशियल सर्च को हम लीनियर सर्च भी कहते हैं। इन दिस मेथड एलिमेंट टू बी सर्च इज कंपेयर विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को सर्च करते हैं, पहले कंपेयर कराते हैं किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे की फर्स्ट एलिमेंट से। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द इट फाइंड द रिक्वायर्ड एलिमेंट। यह प्रोसेस कंटिन्यू होता तब तक जब तक उस रिक्वायर्ड एलिमेंट को वह सर्च नहीं कर लेता, फाइंड नहीं कर लेता। आफ्टर रिसीविंग द एलिमेंट
जब वो उस एलिमेंट को रिसीव कर लेता है, फाइंड कर लेता है, मीन सर्च कर लेता है, सर्च इज़ द कम्प्लीटेड। तो ये आपकी सिक्वेंशियल सर्च क्या होती है, कम्प्लीट होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल सिक्वेंशियल सर्च की, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाई फॉलोइंग एग्जाम्पल। फर्स्ट इज द एसटीक हैज़ इंक्लूड एसटीडियो डॉटच, आपने मेन फंक्शन लिया, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, यहाँ पर इंटीजर नंबर डिक्लेयर किया, साइज में 50 लिया, और यहाँ आपने एक डिक्लेयर किया एन एंड आई, यहाँ इंटीजर अगेन किया, टेम्परेचर एंड फ्लैग, यहाँ पे इक्वल टू जीरो लिया। प्रिंटअप फंक्शन जो करा रहे हो आप, एंटर करा रहे हो साइज ऑफ द लिस्ट, एंड स्कैनअप में आप ले कर रहे हो एन को, तो प्रिंट होकर आपका क्या आ रहा, प्रिंट द इंटीजर नंबर, आपका इंटीजर नंबर आ रहा। तो आप यहाँ पर लूप चला रहे हो, कौन सा लूप, फॉर लूप। आई इक्वल टू जीरो, देन आई लेस देन एन एंड सेमी कोलन आई प्लस प्लस, तो आई इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, आई लेस होता सकता है एन से, या आई प्लस प्लस भी हो सकता है। अगेन आपने ब्रेसेस ओपन किया, स्कैनअप किया, देन नंबर को कराया, ऐसे प्रोसेस करा, देन सर्चिंग, तो वो आपकी क्या हो रही, फिर अगेन यही प्रोसेस चल रहा लूप, देन फ्लैग यहाँ पर आ रहा वन, अगेन आपकी ये फाउंड हो रहा है उस लिस्ट में, जिस लिस्ट में वो प्रेजेंट है। ओके, तो इसको ऐसे करेंगे, फिर ये क्या होगा, प्रोसेस ब्रेक होगा, अगेन यहाँ फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, जीरो, और प्रिंटअप क्या होगा, तो आपका अगर नहीं प्रेजेंट है तो आपको वो स्कैनअप में, मतलब वो आपको जो आउटपुट देगा प्रिंटअप में, वो आपको लिख कर आ जाएगा लिस्ट में। एंटर द साइज ऑफ लिस्ट, जैसे एंटर कराया था फाइव, तो लिस्ट ऑफ द इंटीजर्स, ये आपकी सारे फाइव इंटीजर लिस्ट आ जाए। एंटर कराना फाइव नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर आप क्या है 18, तो नंबर द फाउंड इन द फोर्थ पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पर आपका क्या प्रेजेंट था 18, तो ये आपकी होकर ओपन होकर आ गया। नाउ सेकेंड इज द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है, दिस टाइप सर्चिंग मेथड, इस टाइप जो सर्चिंग में, तो ये क्या होते हैं, कुल लेंदी डेटा के लिस्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे आपकी डेटा लिस्ट बहुत ही लंबी हो, इसमें डेटा की लिस्ट में बड़े से छोटे या छोटे से बड़े में एक अरेंज किया जाता है, फिर इस लिस्ट में कोई एक, इसको हम क्या करते हैं, टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें अरेंज होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सर्च की जो स्टार्टेड होते हैं मिडिल से करते हैं, फ्रॉम द सर्चिंग एलिमेंट फ्रॉम डेटा डिवाइडेड इन टू पार्ट, सर्चिंग एलिमेंट्स के डेटा को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन एलिमेंट टू बी फाइंड इज कम्पेयर विद द मिडिल एलिमेंट, तो इस एलिमेंट को हम कंपेयर किससे करते हैं, मिडिल एलिमेंट से। नाउ वेदर द बिगर और स्मॉलर और छोटा है कि बड़ा है, द आफ्टर अकॉर्डिंग टू कंपेरेशन सर्च इज द डन, उस कंपेरेशन का अगर छोटा है, अगर जैसे आपका अगर आप 1, 2, 3, 4 आपका उस डेटा को, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है 25, 10, 12 आपने लिखा 10, 9, तो आप सर्चिंग करोगे, पहले इसके पास जाएगा, अगेन ये इसके पास, तो यहाँ शिफ्ट होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे डेटा शिफ्ट होता जाएगा, जो सबसे छोटा रहेगा तो वो पहले आ जाएगा, फिर वो पोजीशन चेंज करेगा, यही प्रोसेस चलती जाएगी। इसका अरेंज ऐसे होगा 9, 10, 12 देन यहाँ पर आप 16 कर दो, 16 एंड 25, ये ऐसे प्रोसेस करेगा, तो ये प्रोसेस वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज, तो ये बाइनरी सर्च होता है। ओके, डिवाइड करते हैं उसको, तो ये प्रोसेस जो होती है इसमें होती है, तो इसमें क्या होते हैं आपके, ऐसे ही प्रोग्रामिंग कराओगे इसमें, आप इसमें डेटा डिक्लेरेशन कराया आई, देन लो हाई मिडिल फ्लैग, तो प्रिंटअप क्या करा, एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट करा रहे हो, स्कैनअप में आउटपुट इनपुट करा रहे हो आप पर्सन एन, एंड इसका नाम इंटीजर नंबर्स, ये आपको डिक्लेयर होकर आ रहा है डेटा जो भी आ रहा है। ओके, ये सारे प्रोसेस इस टाइप के आपके एग्जाम में इतने लेंदी नहीं पूछते। तो सॉर्टिंग क्या होती है, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। ओके क्लास, थैंक यू।